हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस अब आज हम देखेंगे कि लाइट स्केटरिंग के मेथड से आपका पॉलीमर का मोलिकुलर वेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि विस्कोमेट्री से कैसे करते हैं ओशमोमीट्री से कैसे करते हैं आज हम देखेंगे कि लाइट स्केटरिंग मेथड से कैसे करते हैं अब पहले तो हम देखते हैं कि लाइट स्केटरिंग ये आपका जिसे टर्बिडिटी मैथड भी कहते हैं तो ये आपका है क्या दिस मैथड इज़ यूजफुल इन केस ऑफ पोलीमर्स ऑफ वेरी हाई मोलिकुलर वेट ये मैथड केवल उन्हीं के लिए आपका यूजफुल है जिन पोलीमर्स का मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा हाई है दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट क्या है कि आपका जो है जब किसी सोल्यूशन के थ्रू हम जो है रेडिएशन पास करते हैं तो सोल्यूट मोलिक्यूल से वो आपके टकरा के ध्रू उधर स्केटर होते हैं तो आपका जो कोलाइडल सोल्यूशंस भी सेम इसी तरह से कोलाइडल सोल्यूशन कह ले जो पोलीमर का सोल्यूशन है वो हमारा सेम इसी तरह से आपका लाइट की स्कैटरिंग करता है द पोर्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन जो इंसिडेंट लाइट का कितना पोर्शन स्कैटर होगा अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस साइज़ के हैं और कितने पार्टिकल्स हैं तो जैसे जैसे उनका नंबर बढ़ता रहता है पार्टिकल्स का उनका साइज़ बढ़ता रहता है उसी तरह से हमारा इंसीडेंट लाइट का जो जो स्केटर्ड लाइट है उसका जो पोर्शन है वो बढ़ता रहता है इंसिडेंट लाइट का जो स्केटर्ड पोर्शन है वो हमारा बढ़ता रहता है द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज गिवन बाय ये हमारी क्वेश्चन है जो ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट हमारे एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है आई इज इक्वल टू आई नोट ई की पार माइनस टी एल आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर ट्रेवलिंग लेंथ एल इन द सोल्यूशन कॉलम जिसके थ्रू हमने रेडिएशन पास किया उसकी पाथ लेंथ है आपकी एल आई क्या है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी और आई नोट क्या है हमारी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी टी क्या है सोल्यूशन की टर्बिडिटी अब हमारा टर्बिडिटी क्या हो गया टर्बिडिटी इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन थ्रो विच इट पास तो टर्बिडिटी क्या हो गई हमारी इंसिडेंट लाइट का वो फ्रैक्शन जो स्केटर्ड हुआ किसी सॉल्यूशन के अंदर पर सेंटीमीटर लेंथ में द सोल्यूशन टर्बिडिटी कैन बी डिटरमाइंड बाई मेजरिंग द डिक्रीज ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट सोल्यूशन की टर्बिडिटी हम कैसे पता कर सकते हैं आपका ट्रांसमिटेड लाइट में आपका कितनी कितनी घटती जा रही है इस बेसिस पे हम सोल्यूशन की टर्बीडिटी हम पता कर सकते हैं अब हमारी जो सोल्यूशन की जो टर्बिडिटी है वो हमारी माइक्रोमोलिक्यूल्स की मोलिकुलर वेट से किस तरह से रिलेटेड है ये एक रिलेशन है टी इज इक्वल टू एच सी एम एच एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है लाइट का कौन सा वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा सी कंसनट्रेशन है एम क्या है मॉलिकुलर वेट है माइक्रो का इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया इस टी को इधर ले आए एच सी बाई टी और एम को हम इधर ले आए वन बाय एम अब जो इक्वेशन नंबर टू है होल्ड्स गुड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही हमारी जो है एप्लीकेबल होगी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या जहाँ हमारा क्या है सी टेंड्स टू जीरो अब यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करने लगे एच सी बाई टी और सी के अलॉन्ग तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा जब हम इसका एक्स्ट्रा पॉलिटिशन करेंगे आपका एच सी बाई टी एक्सेस की तरफ तो ये आपका जीरो कंसनट्रेशन यही हम देख रहे हैं वन C टेंड्स टू जीरो तो जो इंटरसेप्ट है हमारा एच सी बाई टी एक्सेस पे वो किसकी वैल्यू देगा हमारा वन बाय एम की क्यों क्योंकि ये देखो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है इस तरह से रिलेटेड है हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो वन बाई एम की वैल्यू हमें ईजिली मिल जाएगी अब ये जो मेथड है हमारा जो सेडिमेंटेशन का मेथड है ये हमारा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो इससे जो मोलिकुलर वेट डिटरमाइन होता है वो हमारा कौन सा होता है वेट एवरेज मोलिकुलर वेट होता है ओशमोमीटर के मेथड से नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट हम डिटरमाइन करते हैं इसी तरह से विस्कोसिटी के मेथड से विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करते हैं और हमारा सेडिमेंटेशन के मेथड से जो हम मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करते हैं वो होता है हमारा वेट एवरेज मोलिकुलर वेट नेक्स्ट वीडियो में हम सेडिमेंटेशन डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू